तो डायपोल की वजह से एक जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल समझ में आ गया होगा, यस सर, और ये समझ में आया होगा बच्चों, जो डायरेक्शन अगर ना हो तो चीजें आसान होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में टफ थोड़ा जो लगता है वो डायरेक्शन की वजह से लगता है, क्योंकि वेक्टर हो जाता है तो वेक्टर के साथ फिर फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर बताना पड़ता है कहाँ को। अब एक नए टॉपिक पे काम करते हैं हम लोग, इसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अच्छा यार, टेक्निकली इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, कभी एटलस देखा है होगा? एटलस जिसमें दुनिया के मैप आते हैं यस सर, बच्चों, पॉलिटिकल मैप भी होता है और जियोग्राफिकल भी होते हैं, बहुत सारे फीचर। जैसे कभी आपने ऐसे देखे हैं वहां लाइनें बनी हुई, लूप बने हुए इस टाइप के? अच्छा, यस सर, देखे हैं। किस चीज के लिए बने होंगे, कभी देखे ऐसा ड्रॉ किया है? है हाँ, वेरी गुड। रिवर के लिए भी ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर्स में बेटा ये ना ठीक है, रिवर, मेरा उद्देश्य रिवर बताना नहीं था, आपकी बात अपनी जगह जायज है। ये कई बार इस तरह से बताते हैं कि जैसे टेम्परेचर है, तो दुनिया की कौन कौन सी जगह है मेनली जो लगभग टेम्परेचर एक जैसा रहता है, तो इक्वल टेम्परेचर वाले जोन्स को जोड़ते हुए लाइन बना दी हुई, तो उन लाइनों को गौर से देख के आप समझ सकते हो। अच्छा, क्लाइमेटिकली ये सब लगभग एक जैसे, एक्यूरेट नहीं, अप्रोक्सीमेटली। या एयर प्रेशर, एयर प्रेशर कहाँ कहाँ सेम रहता है, उन जगहों को मिलाया जाता है, तो इसका मतलब वो एक ऐसी सरफेस है, एक ऐसी ऐसे कर्व होते हैं जहां पर हर जगह पर एयर प्रेशर या टेम्परेचर या जो भी चीज मेजर की जा रही है सेम है। समझ में आया? आज एटलस तो दोबारा ड्रॉ कर रहा यस हूं इस एंगल से। अच्छा, अब एक बार सोचिए, मेरे पास एक अब चार्ज आ रही है, पॉइंट चार्ज है, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, तो आपने कहा था पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम निकाल सकते हैं 1/4 πε₀ Q/r। तो यार वैसे सोचो काल्पनिक तौर पर, तो इस क्यू को सेंटर मान लीजिए, तो आर दूरी पर किसी भी डायरेक्शन में इतना ही होगा ना पोटेंशियल, तो थ्री डी यस में सर, सोचिएगा, थ्री डी में तो क्या बन जाएगा, एक एक स्पेयर बनेगा आर सर रेडियस का, हाँ सर, वो जो स्पेयर है उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। हाँ सर, क्योंकि सेंटर से हर पॉइंट आर दूरी पर ही है ना, तो इस केस में जब एक ही पॉइंट चार्ज है, तो आपने आर रेडियस का जो स्फेयर माना वो कैसी सरफेस है? सर इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अच्छा बच्चों, अगर मैं आर को थोड़ा सा बदल दूं और ये दूरी ले लूं, तो दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। हाँ सर, तो कितनी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन सकती हैं एट चार्ज की वजह से? सर इनफाइनाइट, वेरी गुड, इनफाइनाइट। तो हेडिंग में सरफेसेस क्यों आया, अब समझ में आया? एक हाँ ही सर, सरफेस नहीं है बल्कि इनफाइनाइट सरफेसेस बनेंगी। अभी तो मैंने एक ही पॉइंट चार्ज लिया, ऐसे तो कई सारे चार्जेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है। एक ऐसी सरफेस जहां पर चार पोटेंशियल हर जगह सेम है। क्लियर हो पाया? यस सर, तो चलिए लिखिए प्लीज, एनी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
which has same electrostatic potential at every point is called an equipotential surface. ये समझ में आया? हाँ सर। बच्चों हमने वर्क डन निकाला था, आपने टॉर्क किया होगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। ये ए था, मैं इसको लेटे दिया मान लो यहां पर बी पर, तो मैंने एक क्यू नॉट चार्ज को लेके गया, अभी यहां पहुंचा है क्यू नॉट बीच में ट्रेन पर, और मैं एक्सटर्नल एजेंट की तरफ ले गया, तो वर्क डन ये था या नहीं, याद है? हाँ सर। अब थोड़ा सा सोचिए जी, ए और बी दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हैं पॉइंट्स। अगर ए एंड बी आर ऑन, तो वी ए और वी बी बराबर हुए। हाँ सर। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो भाई इक्विपोटेंशियल का मतलब वी ए इक्वल टू बी बी, बराबर ही हुए फिर पोटेंशियल, तभी तो इक्विपोटेंशियल है। तो ये आ जाएगा जीरो इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन, तो डब्ल्यू बी ए क्या आ जाएगा बच्चों? सर सर, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप ले जाते हैं चार्ज को, तो कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन हमेशा जीरो होगा। ये पहला फायदा हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन जीरो होता है, क्लियर है? हाँ सर। तो दैट इज, मैं नीचे लिखा भी देता हूं लैंग्वेज में, अभी तो आपने सुन तो लिया पर कॉपी में भूल जाओगे। दैट इज नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा कर लेते हैं, ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है? हाँ सर। अच्छा, अच्छा ये भी समझ लो कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ये इसमें पोटेंशियल V है, इसमें V2 है, दोनों इक्विपोटेंशियल है, लेकिन मतलब इस पे जितना पोटेंशियल है V1 तो V1 ही है, जगह इसमें V2 है तो V2 ही है, लेकिन ये आपस में काट नहीं सकते बच्चों, काटेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या पोटेंशियल मानेंगे आप? अगर दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं, मतलब उनमें दोनों इक्विपोटेंशियल हैं लेकिन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, जैसे 20 वोल्ट वाली एक सरफेस है, उस सरफेस में हर पॉइंट पर 20 ही वोल्ट है, दूसरी सरफेस आई उसमें 25 वोल्ट है हर जगह, आप फिर दोनों सरफेस इंटरसेक्ट करेंगी, अच्छा तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होंगे वहां पर कितना बनेंगे पोटेंशियल पर, वो तो दोनों में कॉमन हुआ, क्या 20 इक्वल टू 25 लिख दें? नहीं सर। तो फिर क्या समझ में आया?
सर की दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस विद डिफरेंट पोटेंशियल ना। हाँ सर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विद पोटेंशियल्स वी वन एंड वी टू, ब्रैकेट में ले लेता हूँ, वी वन इज नॉट इक्वल टू वी टू, हाँ डिफरेंट है, कांट इंटरसेक्ट। वाई? ये तुमसे पूछ लिया मैंने, समझ में आएगा, नोट्स में इतना भी लिखे हुए तो याद आ जाएगा। हाँ सर। अच्छा बच्चों, जब दो सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे तो जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? सरफेस के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? कर्व। काल्पनिक तौर पर सोचिए, एक सरफेस फ्लैट सोचिए, खड़ी में सोचिए और काटेंगे वो क्या बनेगा इंटरसेक्शन में? कर्व बनता है। ओके सर। दो सरफेस के इंटरसेक्शन से कर्व बनता है, जैसे दो प्लेन सरफेस के इंटरसेक्शन से लाइन बनती है। आप अपने कमरे की दीवारों पे देखिए, सामने दो डिफरेंट दीवारों के इंटरसेक्शन से लाइन बनी होगी। हाँ सर। ऐसी सोचो, दो सरफेस काटे, काल्पनिक तौर पर सोचो 3D में एक दूसरे को, तो कर्व बनेगा इंटरसेक्शन पर। तो जब कर्व बोला जाता है और जब सरफेस बोली जाती है तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इसी में एक चीज और आ सकती है बच्चों, हमने ये कहा था कि जो वर्क है उसको E.DL कहा था। अरे भाई ऐसा पढ़ा था। हाँ सर। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन तो जीरो है, ठीक है। हाँ सर। तो ये मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है कोई, मैं ऐसे मान लेता हूं, ठीक है, सरफेस पर कहीं पर भी मान लो ये DL है, तो E टू इसके परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा ना, तभी तो E.DL जीरो आएगा। हाँ सर। ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस W इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज E.DL इंटीग्रेशन जीरो, तो इसका मतलब E.DL हर जगह पर जीरो हो रहा होगा। यस सर। इज परपेंडिकुलर टू DL एवरीवेयर। तो बच्चों अगर मेरे ये सरफेस है एक टू पोटेंशियल, देखो L मैं इधर को मानू या इधर को मानू या इधर को मानू, सोचिएगा, सभी के परपेंडिकुलर है ई, तो ई बाहर को निकल आएगा या सोचिए, तो ये तो सब सरफेस पर DL है, कोई भी ले लो, सभी के परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ई टू सरफेस से बाहर को। हाँ सर। तो आप इसको लिखो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल Always at right angle to equipotential surface. Equipotential surface. आप गौर करिए,
ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिए मैंने। इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन जीरो होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, क्यों? और दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्लियर हो गया ना? यस सर। ये तीसरा पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट, ऐसे आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, एक चार्ज है उसकी वजह से डिफरेंट जो आपकी इक्विपोटेंशियल है वो आपस में नहीं टाटेंगे। कोई दो डिफरेंट अलग अलग चार्जेज हैं दूर दूर, उनकी बनेंगे वो तो टाटी देंगी, उनसे मतलब भी नहीं है। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ऐसे देखिएगा, ये बना दिया मैंने बराबर गैप पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाते हैं हम लोग, तो फिर आप इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे मानेंगे, सोचिए ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन्स होंगी नहीं होंगी, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी, उनके परपेंडिकुलर होना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो आप यहां लिख भी देंगे साइड में, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर प्लेन, पोटेंशियल सरफेसेज आर प्लेन एसओ, ठीक है? अच्छा, दो एक ही अगर आइसोलेटेड चार्ज है तो मैंने बता दिया था कैसे होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्या बनेंगी सर? स्फेरिकल। वेरी गुड, तो सरफेसेस अलग अलग तरह की बन सकती हैं, बिल्कुल, वो पहले भी बना दिया था, आप भी बना सकते हैं ऐसे, अगर आप ऐसे मान लें तो। यहाँ ये है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कंसेंट्रेटेड स्फीयर्स, ठीक है? Yes. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसीलिए सीधे बाहर को आ जाता है इनमें, पॉइंट चार्ज की वजह से जब होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है, नहीं सोचिए हम ऐसे बना रहे थे, क्यों? क्योंकि स्पेयर के साथ अगर सेंटर को मिलाने वाली लाइन सीधे बाहर को करेंगे तो सब परपेंडिकुलर होंगी या नहीं आपस में, इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट, सोचिए। Yes. अगर आपके पास दो चार्जेज, एक प्लस ले लें एक माइनस, वैसे पहले भी बता रखा है, तो फील्ड लाइन्स कैसे आएंगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ये आती है, ये सब हर एक में पोटेंशियल हर जगह ये इस तरह से चलती है।
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है बच्चों, क्या ये क्लियर हो पाया? यस सर, चलो आज इतना ही करते हैं, फिर मुझे जाना भी है यार, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।